नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-2022 को विकासोन्मुखी, गरीब हितेशी और भविष्य के अनुकूल बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में खेती, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिए जाने से हरियाणा के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा जारी एक बयान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी और कहा कि ये जो बजट है अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और भी मजबूत करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्मला सीतारमण को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वामित्व योजना का विस्तार करने की घोषणा के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा अग्रणी राज्य है जिसने गाँव को लाल डोरा से मुक्त करने की योजना शुरू की ताकि ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिले और जमीन खरीदने व बेचने का अधिकार भी मिले और उस पर कर्ज भी लिया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा की इस योजना को पूरे देश में सराहा जा रहा है और वर्तमान में इसे 8 राज्यों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से चलाया जा रहा है। स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि अवसंरचना निधि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के विजन को साकार करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि अर्थव्यवस्था में सामान्य जन के कल्याण को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि आवंटन लगभग 2,23,846 करोड़ रुपए है जो पिछले बजट से 137% अधिक है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने तथा पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में काम करने जैसी घोषणाओं के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की और 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना और 15,000 सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन सहित शिक्षा क्षेत्र में कई अहम अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट। और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीज़ें थी सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो, क्योंकि कोविड के कारण से देश भर में सरकारों के पास भी जो खर्च काफ़ी किया गया, इस नाते से उन्होंने उसमें भी बड़ी राशि जो उसमें उपलब्ध कराई है कि कोविड के नाते से उसका उनको लाभ हो जाए। जहां तक एक एक विषय की बात है, कृषि के लिए 75,000 करोड़ रुपये का इस बार MSP पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इसका प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी भी बहुत बड़ी राशि 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। कपास के किसानों के लिए अलग से लगभग 25,500 करोड़ रुपया इसका प्रावधान ये किया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे एक देश एक राशन, इसके ऊपर विशेष फोकस रहेगा कि सारे देश में सब लोगों को जहाँ से भी राशन लेना चाहें वो उससे ले सकते हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो इसमें हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से कमीशन गठन करने का जो फैसला किया है, इससे मुझे लगता है कि जैसा विषय आता भी शिक्षा के ऊपर जो 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 लोग पढ़े लिखे शिक्षित और अनुभवी लोग हैं उनके माध्यम से शिक्षा का प्रसार प्रसार होना चाहिए और इससे राजनीति से ऊपर उठ करके और हम लोगों को ये शिक्षा के काम में काम करना चाहिए। तो हायर एजुकेशन कमीशन का जो गठन होगा ये इसके लिए बहुत सार्थक होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और ये भी एक बड़ा एक कदम है। सामान्य शिक्षा में 758 एकलव्य स्कूल ये खोले जाएंगे और जिसमें विशेष उसके ऊपर फोकस रहेगा। 15,000 सरकारी स्कूल हैं, उनका स्तर बढ़ाया जाएगा अर्थात हायर एजुकेशन की तरफ उनको और आगे ले जाने की बात ये रहेगी। स्वास्थ्य के नाते से जो पिछला बजट था उसका 137% ये बजट बढ़ाया गया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी वृद्धि है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ये बजट का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और मैं समझता हूँ कि देश में जितना परिवहन जो है वो ज़्यादा होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा उतना ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, यानी नए इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोज़गार ये उसके अंदर उनको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। रेलवे और मेट्रो के लिए खास करके
दो तरह की मेट्रो चलाई जाएगी, एक लाइट रेलवे होगी, एक नियो रेलवे होगी। इसका कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान इसका ये किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा में बीमा कंपनियों को और उनका जो निवेश है FDI को 74% का निवेश ये जो करने की छूट दी गई है, इसमें बीमा कंपनियां और ज़्यादा मजबूत होंगी और जो हमारे सामाजिक सुरक्षा के जितने पहलू हैं उसमें इसमें बल मिलेगा। जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं उनको आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है कि वो कोई आयकर रिटर्न अब भरने की उनको ज़रूरत नहीं है अगर वो पेंशनर हैं। तो इस प्रकार से ये सब जो विषय किए गए हैं, इस समय समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें सस्ती होंगी, इसमें भी उसका प्रावधान किया गया है। खास करके तांबा है, स्टील है, चमड़े का सामान है, वो सस्ता होगा। श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम वेतन, इसकी योजना ये लागू की जाएगी। तो इस प्रकार से एक संतुलित बजट, सोना चांदी लोहा तांबा आदि ये सब सस्ते होंगे। जो विदेशों से आने वाली चीज़ें हैं उन पर जरूर थोड़ा बहुत अधिभार लगा करके उनको थोड़ा महंगा किया गया है, अर्थात मेड इन इंडिया इसका एक जिसको कहना चाहिए कि ध्यान रखा गया है कि अपनी देश की वस्तुओं को ज़्यादा उसमें प्राथमिकता दी जाए, इस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के बहुत जिसको कहना चाहिए एक संतुलित बजट, एक कठिन समय में भी इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया जा सकता है, बहुत एक प्रकार से एक संतुष्टि का यह बजट है।